सर, बाकी डेवलपर पर तो आप बहुत तनकीद करते हैं, क्या आपके अपने प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे? देखें जी, इंसान की नीयत ठीक हो और डेवलपर अगर हेरा फेरी ना करें तो ये हो ही नहीं सकता कि प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो। अगर आप सूद के ऊपर प्रोजेक्ट बेचेंगे, फिक्स रेंटल के ऊपर बेचेंगे कि जी 20% सालाना मुनाफा ले लो, इतने करोड़ 2 लाख रुपए रेंट ले लो, फिर प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर होंगे। एक डिलीवर होगा लेकिन 10 नहीं डिलीवर होंगे। एक आध वो डिलीवर करके दिखा के फिर 10 प्रोजेक्ट के ऊपर फ्रॉड होता है। दूसरी बात, डेवलपर जब पैसा उठा के किसी और काम में लगा लेता है, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है उसको अवाम ने किस्तें दी, वो किस्तें खा जाए, वो जाके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ले, फिर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस ना हो और आपके पास टीम ना हो तब भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता। और फोर्थ ये कि आपके पास लैंड ही नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट आप बनाएंगे कहाँ? सो हमारे तमाम पॉइंट्स के ऊपर अल्लाह के फजल और करम से हमारा प्रोजेक्ट सूद से पाक है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अल्लाह के फजल और करम से कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर्टीज़ और प्लॉट्स जो हाई रेज जितने हमारे उमर ब्रांड, जितने हमारे हाई रेज कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम प्लॉट्स मेरे नाम हैं। सो हमें डिलीवरी करते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होनी और इंशाल्लाह हमारी नीयतें ठीक है तो हम, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि डिलीवर, बल्कि ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स आके आप बैरियर टाउन के अंदर देखें, हमने वक्त से पहले अपने प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल से डिलीवर किए हैं।